बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है इंग्लिश मीडियम, और आप लोगों को ना मैंने उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करवाया हुआ है, और उसकी एक्सरसाइज बच्चों मैंने 1.1 भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दी, और 1.2 एक्सरसाइज भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3, और 1.3 के अंदर जौन सी भी एक्सरसाइज आप लोगों ने सीखनी है ना, वो कंसेप्ट के साथ सीखनी है। आप लोगों ने अपनी बेस बनानी है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये लेक्चर शुरू करने से पहले आपने जौन सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है, या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, और अपने जौन से मोबाइल की उसी स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए, क्लियर नज़र आए, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, मैंने इसका ले लिया क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज है 1.3। इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, आपको ना कुछ ये वाले ना मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, आर कन्फर्म एबल फॉर एडिशन, आपने ये कन्फर्म करना है इनमें से कौन से एक दूसरे के साथ क्या हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं। तवज्जो करिएगा, आपने ये कन्फर्म करना है भी इनमें से जितने भी आप लोगों को ये मैट्रिक्स दिए हुए ना, ये वाला ए मैट्रिक्स, बी सी डी ई एफ, तो ये आप लोगों को जो उनसे मैट्रिक्स दिए गए हैं ना, तो ये मैट्रिक्स आपस में कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में जमा हो सकते हैं, ये बात आपने कंफर्म करनी है। ये है सवाल का कंसेप्ट, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये देख लें, हम देखेंगे ऐसे दो मैट्रिक्स जिनका क्या हो, ऑर्डर सेम हो, उन दो मैट्रिक्स को हम प्लस करवा सकते हैं। ये देखें, ऑर्डर सेम होना चाहिए प्लस के अंदर। अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स हो, हमारे पास जिस तरह 2, 1, -1, 3, इसी तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स क्या हो, ई, -1, 0, 1, 2, और यही दो मैट्रिक्स मैंने यहाँ से उठा लिए। तवज्जो करिएगा, ये देखें, आपने ना वो दो मैट्रिक्स आपस में हम जमा करवा सकते हैं, ए प्लस ई, हमने उस वक्त हम जमा करवा सकते हैं जब इन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, बराबर, फिर हम जमा करवा सकते हैं। अगर इन दोनों मैट्रिक्स का अगर मर्तबा ऑर्डर सेम नहीं है, तो हम कते तन भी इन दो मैट्रिक्स को आपस में जमा नहीं करवा सकते। एडिशन का मतलब क्या होता है, प्लस करवाना। तवज्जो करिएगा, हम इसका ऑर्डर देखेंगे कितना, इसकी देखो 1, 2 रो है मेरे पास, इसके अंदर कॉलम कितने मेरे पास, 1, 2, C1, C2, यानी अगर मैं इसकी इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूँ ना, तो ये 2 by 2 आएगा हमारे पास। इसके अगर ऑर्डर की बात करूँ, इसके अंदर रो कितनी है, 1, 2, कॉलम कितने, 1, 2, यानी इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 by 2। तो देखो, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम, तो हम उस वक्त ही इन दोनों को क्या करवाते हैं, जमा करवाते हैं। तो ये बात आपने बतानी है। ये देखें, आपने इसके अंदर सिर्फ ये कन्फर्म करना है कौन से दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं, एडिशन हो सकते हैं, ये बात आपने करनी है। ये देखें, इसका भी ऑर्डर देख लें 2 by 2, इसका भी ऑर्डर देख लें 2 by 2, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम, तो फिर हम कह सकते हैं ना, ए ई आर कन्फर्म एबल फॉर एडिशन। तवज्जो करिएगा, यानी फिर हम कह सकते हैं ए और ई है ना, आर कन्फर्म एबल है फॉर एडिशन के लिए, जमा के लिए, यानी इन दोनों को हम क्या करवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। क्यों जमा करवा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है। तो बच्चों, ये आंसर आ गया इन दोनों का, तवज्जो करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट, हम उस वक्त सिर्फ ये बात आप याद रखनी है आप लोगों ने, भी जब भी आपने दो मैट्रिक्स को प्लस करवाना ना, तो प्लस करवाते हुए आपने ये बात देखनी है, क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है।
अगर दोनों का ऑर्डर सेम है फिर आप प्लस करवा सकते हैं, फिर आप एडिशन करवा सकते हैं, ये आपका की पॉइंट है इसका, तवज्जो करिएगा। इसके बाद देखें हम बी मैट्रिक्स 3-1, तवज्जो करिएगा। इसके बाद डी मैट्रिक्स 1-2, देखो इसका भी कितनी रो है, 1-2, दो रो हैं, कॉलम कितने, 1, यानी हमारे पास 2/1, रो पहले लिखनी है कॉलम बाद में लिखने हैं। इसका भी ऑर्डर देखेंगे कितनी हमारे पास, यहाँ पर दो रो हैं, 2/1 कॉलम है, तो 1 आ गया। तो ये देख लें बच्चों, आपने सिर्फ ऑर्डर देखना होता है, रियल नंबर जो भी हो आप लोगों का, ये रियल नंबर चेंज हो सकते हैं, सिर्फ आपने ना उन दो मैट्रिक्स को हम जमा करवा सकते हैं जिन दो मैट्रिक्स का सिर्फ क्या हो, आर्डर सेम हो। अगर आर्डर सेम है तो ये जमा हो सकते हैं, फिर मैं कह सकता हूँ ना बी डी आर कन्फर्म एबल फॉर एडिशन। तवज्जो करिएगा, फॉर एडिशन। तो बच्चों ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो बच्चों इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो कर लिया आप लोगों ने। अब ये सी देख लें और एफ देख लें, तवज्जो करिएगा। सी हमारे पास क्या है, 1-0-2-1-1-2, और हमारे पास एफ क्या है, 3-2-1+1-4-3+2-2+1। तो ये देखें, आपने सिर्फ ऑर्डर देखना है इसका, देखो कितनी रो है हमारे पास, 1-2-3, कॉलम कितने, 1-2, यानी हमारे पास 3/2 आ गया। इसका भी ऑर्डर देखेंगे, 1-2-3, तीन रो हैं, कॉलम कितने, 1-2, दो कॉलम हैं, तो लिहाजा इन दोनों का क्या है, ऑर्डर क्या है, सेम। तो फिर हम कह सकते हैं ना बी सी एफ आर, तवज्जो करिएगा, कन्फर्म एबल फॉर एडिशन के लिए, फॉर एडिशन के लिए, यानी जब भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, सेम, तो उस वक्त उन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करवा सकते हैं, एडिशन के लिए, वो कन्फर्म है, वो दोनों जमा हो सकते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दी एडिशन इनवर्स, आपने क्या फाइंड करना, एडिशन इनवर्स फाइंड करना है, तवज्जो करिएगा, जमी मकूस मालूम करना है आप लोगों ने। तो बच्चों ये जो सा क्वेश्चन नंबर 2 ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कंसेप्ट के साथ समझना है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मैंने ए मैट्रिक्स ले लिया, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ए का एडिशन इनवर्स क्या होता है, माइनस ए, और सी का एडिशन इनवर्स क्या होता है, माइनस सी, डी का एडिशन इनवर्स क्या होता है, माइनस डी। तो जो समझ, ये इसका फार्मूला है, ए का एडिशन इनवर्स क्या है, माइनस ए, सी का एडिशन इनवर्स माइनस सी, डी का एडिशन इनवर्स माइनस डी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसी तरह हम फिर कह सकते हैं ना एडिशन, तवज्जो करिएगा, एडिशन इनवर्स ऑफ ए, एडिशन इनवर्स ऑफ ए, ए का एडिशन इनवर्स क्या होगा, माइनस ए। तो बच्चों ये हमारे पास मसावी इसी तरह आ गई, ये आ गया माइनस, यहाँ पर ए मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, ए मैट्रिक्स क्या मेरे पास, 2 है, 4 है, -2 है, 1 है। अब क्या करेंगे, मनफी को तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस का 2, -4, नफी जमा का 2, -1। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का ए पार्ट। इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे बी, बी मैट्रिक्स, तवज्जो करिएगा, बी मैट्रिक्स 1-0-1,
टू माइनस वन, थ्री, थ्री माइनस टू वन। तो बच्चों आपने इसका क्या मालूम करना है, आपने मालूम करना है इसका एडिशन इनवर्स। तो आपको पता हूँ एडिशन इनवर्स ऑफ बी फिर किसके बराबर होगा, बी के बराबर, माइनस बी के बराबर, माइनस बी के बराबर। तो बच्चों अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ये फार्मूला आपने याद रखना है, बी एडिशन इनवर्स ऑफ बी का एडिशन इनवर्स क्या होता है, माइनस बी, सी का एडिशन इनवर्स माइनस सी। बस ये बात आपने याद रखनी है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये मसावी इसी तरह आ गई, अब माइनस बी इसी तरह बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देंगे। बी मैट्रिक्स क्या मेरे पास, वन ज़ीरो माइनस वन, टू माइनस वन, थ्री, थ्री माइनस टू वन। अब क्या करेंगे, इस माइनस को ना तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो माइनस वन ज़ीरो, प्लस का वन, माइनस का टू, प्लस का वन हो गया, ये प्लस का थ्री है तो माइनस का थ्री, प्लस का थ्री है तो माइनस का थ्री, माइनस का टू है तो प्लस का टू, प्लस का वन है तो माइनस का वन। तो बच्चों मैंने माइनस के साथ ना तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे, तवज्जो करिएगा। सी मैट्रिक्स फोर माइनस टू, आपने इसका क्या फाइंड करना है, एडिशन इनवर्स फाइंड करना। एडिशन ऑफ इनवर्स सी फिर किसके बराबर होगा, माइनस सी के। ये मसावी इसी तरह, और ये माइनस भी इसी तरह, सी की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, फोर माइनस टू। अब माइनस को इन तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, माइनस का फोर, नफी नफी जमा का टू आ गया। तो बच्चे ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चे हमारे पास डी मैट्रिक्स, और हमें क्या दे दिया उसने, वन ज़ीरो, माइनस थ्री, माइनस टू, टू वन। तो बच्चों सबसे पहले हमने डी का क्या फाइंड करना है, एडिशन ऑफ इनवर्स डी फिर किसके बराबर होगा, माइनस डी के। तो ये मसावी इसी तरह आ गई, ये माइनस भी इसी तरह, यहाँ पर डी मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, वन ज़ीरो, माइनस थ्री, माइनस टू, टू वन। अब इस माइनस को तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस का वन ज़ीरो, प्लस का थ्री, प्लस का टू, माइनस का टू, माइनस का वन। तो मैंने मल्टीप्लाई, बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों हमारे पास ई मैट्रिक्स आ गया, तवज्जो करनी है आप लोग, वन ज़ीरो ज़ीरो वन। तो बच्चों आपने इसका क्या फाइंड करना है, एडिशन इनवर्स फाइंड करना, एडिशन ऑफ इनवर्स ई फिर किसके बराबर होगा, माइनस ई के। ये मसावी इसी तरह आ गई, माइनस भी इसी तरह, ई की वैल्यू वन ज़ीरो ज़ीरो वन। अब माइनस को ज़रब करवाएंगे तो माइनस का वन, ज़ीरो को, ज़ीरो को माइनस वन के साथ ज़रब करवाएंगे तो प्लस का ज़ीरो होता है, ज़ीरो हमेशा किसका होता है, प्लस का, माइनस का नहीं होता ज़ीरो। तो माइनस को ज़ीरो के साथ ज़रब करेंगे तो ज़ीरो, माइनस वन को वन के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस वन। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये ई था, ई मैट्रिक्स। एफ मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, थ्री का जज़र, वन माइनस वन और टू का जज़र। तो बच्चों आपने इसका क्या फाइंड करना है, एडिशन इनवर्स फाइंड करना, एडिशन इनवर्स ऑफ एफ किसके बराबर होगा, माइनस एफ के। और ये माइनस इसी तरह एफ मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, थ्री का स्क्वायर रूट, वन माइनस वन और टू का स्क्वायर रूट। माइनस को ज़रब करवाएंगे, माइनस थ्री, माइनस वन, प्लस वन और माइनस टू का जज़र। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर टू, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री, तवज्जो करिएगा।
क्वेश्चन नंबर थ्री। और बच्चों जैसा ये क्वेश्चन नंबर थ्री ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने अच्छे से समझना है, तवज्जो करिएगा बच्चों। हमारे पास इफ़ ए मैट्रिक्स दे दिया माइनस वन टू टू वन, बी मैट्रिक्स दे दिया वन माइनस वन, सी मैट्रिक्स दे दिया वन माइनस वन टू, डी मैट्रिक्स दे दिया वन टू थ्री माइनस वन ज़ीरो टू, देन फाइंड करो पार्ट वन ले लिया ए प्लस वन 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 वन। तो बच्चों ये मैंने पार्ट नंबर वन ले लिया। अब क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स को हमने यहाँ पर क्या करवाना है, जमा। तवज्जो करने, मसावी लिखने के बाद ए मैट्रिक्स की वैल्यू ये देखें, ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, माइनस वन टू टू वन आ गया, और ये वाला प्लस इसी तरह, और ये वाला मैट्रिक्स भी इसी तरह आ गया वन 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 वन। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर है ना ए मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज करवा दी, और ये वाली वैल्यू इसी तरह। अब देखें इन दो मैट्रिक्स ऑर्डर सेम है, दो रो दो कॉलम, दो रो दो कॉलम, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, प्लस हो सकते हैं, तो प्लस करवा देंगे। तो बच्चों प्लस करवाने का तरीकाकार क्या है, ये बात सीखनी है। पहला एलिमेंट पहले में प्लस करवा देंगे, दूसरा एलिमेंट दूसरे में प्लस करवा देंगे, तीसरा एलिमेंट तीसरे में प्लस, चौथा एलिमेंट चौथे में प्लस, इस तरह प्लस करवाते हैं। और इसी तरह आपने माइनस करवाना होता है। जब भी आपने प्लस माइनस करवाने हो ना किसी दो मैट्रिक्स को, तो पहला एलिमेंट पहले में प्लस होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, इस तरह प्लस करवाना है। प्लस वन माइनस वन कैंसिल होकर ज़ीरो आ गया, टू प्लस वन थ्री आ गया, टू प्लस वन थ्री आ गया, वन प्लस वन टू आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया, आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था मेरे पास पार्ट नंबर वन, तवज्जो करिएगा। तो बच्चे इसी तरह मेरे पास है पार्ट नंबर टू है इसका। पार्ट नंबर टू हमें क्या दे दिया उसने, बी मैट्रिक्स और माइनस टू थ्री। ये देखिए कैपिटल बी है, बी से मुराद क्या है, ये मैट्रिक्स है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये देखें मसावी लिखकर बी मैट्रिक्स की वैल्यू ये वाली दर्ज करवा, बी की जगह पर बी मैट्रिक्स की वैल्यू, और ये वाला मैट्रिक्स इसी तरह आ गया। तो बच्चों ये देखें इसके दो रो एक कॉलम, दो रो एक कॉलम, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, प्लस, दो मैट्रिक्स के दरमियान में प्लस है, तो प्लस करवाना है हमने। तो पहला एलिमेंट पहले में प्लस, वन प्लस माइनस का टू, और दूसरा एलिमेंट दूसरे में प्लस, इस तरह पहला फर्स्ट फर्स्ट में प्लस, सेकंड सेकंड में प्लस। तो बच्चे ये हमारे पास है प्लस का वन है, माइनस का टू है, तो माइनस का वन है, प्लस का थ्री है, तो प्लस का टू आ गया। तो बच्चे ये क्या आ गया, आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था बी पार्ट। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी सी पार्ट। पार्ट नंबर थ्री, सी प्लस माइनस टू वन थ्री। तो बच्चों क्या करवाना है, इन दोनों को प्लस करवाना है। मसावी आ गई सी मैट्रिक्स की वैल्यू, सी मेरे पास क्या वन माइनस वन टू, और ये वाला प्लस इसी तरह आ गया, और ये वाला मैट्रिक्स, दोनों को देखो इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम, दोनों जमा करवा। पहला एलिमेंट पहले में जमा हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे में जमा, तीसरा एलिमेंट तीसरे में जमा, इस तरह, और ब्रैकेट। तो बच्चों ये प्लस का वन है माइनस का टू है, तो माइनस का वन प्लस वन माइनस वन कैंसिल होके ज़ीरो, टू प्लस थ्री फाइव आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया, आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर थ्री। पार्ट नंबर फोर, डी प्लस ज़ीरो वन ज़ीरो टू ज़ीरो वन। तो इन दोनों को भी क्या करवाना है, प्लस। तो ये आ गई मसावी, डी मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। डी मैट्रिक्स क्या मेरे पास, वन टू थ्री माइनस वन ज़ीरो टू, और ये वाला प्लस आ गया, और ये वाला नीचे मैट्रिक्स इसी तरह आ गया ज़ीरो वन ज़ीरो टू ज़ीरो वन। तो बच्चों जब भी दो मैट्रिक्स के दरमियान में क्या हो, प्लस, तो दोनों मैट्रिक्स को आपने क्या करवाना होता है, प्लस करवाना होता है। तवज्जो करिएगा, तो इसको प्लस करवाने के लिए ऑर्डर सेम है दोनों का, तो लिहाजा प्लस हो सकते हैं। तो पहला एलिमेंट पहले में प्लस,
दूसरा एलिमेंट दूसरे में प्लस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में प्लस, चौथा एलिमेंट चौथे में प्लस, पांचवा एलिमेंट पांचवे में प्लस, छठा एलिमेंट छठे में प्लस करवा देंगे इस तरह। तो ये आ गया 1 3 3 1, तो ये 0 और ये आ गया 3। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास डी पार्ट, पार्ट नंबर 4 था। पार्ट नंबर 5 तवज्जो करनी है 2A। तो बच्चों मसावी आ गई हमारे पास ये वाला 2 इसी तरह। अब यहाँ पर है ना एक ही जगह पर ए मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे -1 2 2 1। अब 2 को इन तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 दो दुनी 4 आ गया, 2 दुनी 4 दो इकम 2 आ गया, मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। पार्ट नंबर हमारे पास 6 है और हमें -1 × B मैट्रिक्स दे दिया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये -1 इसी तरह आ गया, तवज्जो करनी है, और B मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 1 -1 को इन दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, -1 को 1 के साथ ज़रब करवाया, -1 -1 प्लस का 1 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, आप लोगों को मज़ीद आ जाएगी। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, क्या दे दिया उसने -2 × C दे दिया। तो जो करिएगा तो ये -2 इसी तरह आ गया, सी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 -1 2, -2 इसी तरह, सी मैट्रिक्स की वैल्यू -2 को इन तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, तो -2 + 2 - 4 2 × 4 -4 आ गया। तो बच्चों ये थे हमारे पास पार्ट नंबर 7, नेक्स्ट करेंगे आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। पार्ट नंबर हमारे पास 8 है, 3 × D, यानी ये मसावी आ गई, ये 3 आ गया। डी की वैल्यू क्या, डी मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, क्या है 1 2 3, -1 0 2 है। 3 को इन तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, 3 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, 3 3 2 6 3 3 9 3 = 3 -3 3 0 0 3 2 6 आ गया, इस तरह ज़रब करवा देंगे। तो ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 9 है हमारे पास 3C, तो जो करिएगा तो ये मेरे पास 3 इसी तरह आ गया, सी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है 1 - 1 2। अब 3 को इन तमाम वैल्यू के साथ ज़रब, 3 - 3 3 × 6 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी आपको ये ना कुछ इंडिकेटेड ऑपरेशन दे दिए गए हैं, इन ऑपरेशनों को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है। तवज्जो करिएगा, तो सबसे पहले ना आपने जो ब्रैकेट हो ना, ब्रैकेट वाले मैट्रिक्स को सॉल्व करना होता है, ये बात आप याद रख लें। अब देखो ये सबसे पहले ये ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट के अंदर वाले जो उनसे मैट्रिक्स है ना, उनको पहले सॉल्व करना है, फिर इसको बाद में करना है आपने। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही मैट्रिक्स बनेगा, पहला रुकन पहले के अंदर प्लस करवा देंगे 1 + 0, दूसरा एलिमेंट दूसरे में प्लस करवा देंगे, और तीसरा एलिमेंट तीसरे में प्लस, चौथा एलिमेंट चौथे में प्लस हो जाएगा। इन दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया, और ये वाला प्लस इसी तरह 1 1 1 0। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 1 आ गया मेरे पास, और ये आ गया प्लस 1 1 1 0। तो बच्चों क्या करेंगे, अब इन दोनों को हमने क्या करवाना है, प्लस, क्योंकि दोनों का आर्डर भी सेम है,
पहला एलिमेंट पहले में प्लस, दूसरा एलिमेंट दूसरे में प्लस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में प्लस, चौथा एलिमेंट चौथे में प्लस करवा देंगे इस तरह। तवज्जो करिएगा, वन प्लस वन टू आ गया, थ्री आ गया हमारे पास, फोर आ गया और वन आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो सबसे पहले ना आपने ब्रैकेट के अंदर जो सा मैट्रिक्स है ना उसको सॉल्व करना है, उसके बाद आपने उसके साथ जो सा भी आएगा फिर उसके साथ आपने प्लस करना है। तवज्जो करिए, ये था पार्ट नंबर वन। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा, पार्ट नंबर हमारे पास टू है, वन ज़ीरो ज़ीरो वन प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट बंद ज़ीरो टू थ्री ज़ीरो माइनस है यहाँ पर वन 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 ज़ीरो। तो बच्चों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था भी जब भी आपने दो मैट्रिक्स को क्या करवाना होता है प्लस या माइनस करवाना होता है तो इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। तो देख ले तीनों मैट्रिक्स का ना ऑर्डर सेम है तो तीनों प्लस माइनस हो सकते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को आपने सॉल्व करना है। तो ये मैट्रिक्स इसी तरह, तो बच्चों ये मेरे पास वन ज़ीरो ज़ीरो वन, तो बच्चों ये प्लस आ गया, इसको हमने क्या करवाना है माइनस करवाना है। तो पहला रुकन पहले में माइनस, दूसरा रुकन दूसरे में माइनस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में माइनस, चौथा एलिमेंट चौथे में माइनस। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा वन ज़ीरो ज़ीरो वन और प्लस, ये आ गया माइनस वन और ये आ गया प्लस वन और ये प्लस का टू बचेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा ज़ीरो। अब इन दोनों को क्या करवाना है जमा। तो पहला एलिमेंट पहले में जमा हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे में जमा, तीसरा एलिमेंट तीसरे में जमा, चौथा एलिमेंट चौथे में जमा, इस तरह। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का वन माइनस का वन कैंसिल होके ज़ीरो आ गया, प्लस का वन आ गया और प्लस का टू और प्लस का वन आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर टू। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, पार्ट नंबर थ्री है हमारे पास, टू थ्री वन प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट बंद वन ज़ीरो टू। तो बच्चों ये हमने कौन सा ले लिया पार्ट नंबर, हमने ले लिया थ्री। तो पहले सबसे पहले आपने ना जो ब्रैकेट के अंदर है ना मैट्रिक्स उसको सॉल्व करना है। तो बच्चों ये मैट्रिक्स इसी तरह आ गया, फिर टू थ्री वन और ये वाला प्लस इसी तरह, तो इन दोनों को माइनस करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, पहला एलिमेंट पहले में माइनस, दूसरा एलिमेंट दूसरे में माइनस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में माइनस हो गया। तो बच्चों ये मेरे पास टू थ्री वन प्लस, प्लस का वन माइनस का टू माइनस का वन और ये माइनस का टू और ये ज़ीरो आ गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गए। अब इन दोनों को क्या करवाना है प्लस, पहला एलिमेंट पहले में प्लस, दूसरा एलिमेंट दूसरे में प्लस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में प्लस, प्लस का टू माइनस का वन प्लस का वन, प्लस का थ्री माइनस का टू तो प्लस का वन और ये भी क्या आ गया वन आ गया। तो बच्चे ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर थ्री। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। पार्ट नंबर फोर है हमारे पास, वन टू थ्री माइनस वन माइनस वन माइनस वन ज़ीरो वन टू प्लस वन 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 टू 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 थ्री थ्री थ्री। तो बच्चों इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करवाना है आप लोगों ने प्लस करवाना है। तो प्लस करने का मेथड क्या है,
पहला एलिमेंट पहले में प्लस करवाते जाएंगे। इस तरह देखो, इसका पहला पहले में पहला प्लस, दूसरे में दूसरा प्लस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में प्लस, चौथा एलिमेंट चौथे में प्लस, पांचवा एलिमेंट पांचवें में प्लस, छठा एलिमेंट छठे में प्लस, सातवां एलिमेंट सातवें में प्लस, आठवां एलिमेंट आठवें में प्लस, नौवां एलिमेंट नौवें में प्लस हो जाएगा। इस तरह तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 2, 3, 4, 1, 1, 1 और ये मेरे पास आ जाएगा 3, 4, 5। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 4। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। पार्ट नंबर 5, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 प्लस 1, 0, -2, -2, -1, 0, 0, 2, -1। तो बच्चों इन दोनों को क्या करवाना है, प्लस करवाना है। तो पहला एलिमेंट पहले में प्लस हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे में प्लस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में प्लस, चौथा एलिमेंट चौथे में प्लस, पांचवा एलिमेंट पांचवें में प्लस, छठा एलिमेंट छठे में प्लस, सातवां एलिमेंट सातवें में प्लस, आठवां एलिमेंट आठवें में प्लस, नौवां एलिमेंट नौवें में प्लस। तवज्जो करिएगा इस तरह। तो बच्चों 1 + 1 कितना आ गया 2 + 2, प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 1, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल होके 0, प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। और इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 आ गया इसका, ब्रैकेट 1, 2, 0, 1, 2, 1, 1, 0 प्लस 1, 1, 1, 1 तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स है ना उसको सॉल्व करना है। तो इन दोनों को क्या करवाना है, प्लस, पहला एलिमेंट पहले में प्लस, दूसरा एलिमेंट दूसरे में प्लस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में प्लस, चौथा एलिमेंट चौथे में प्लस। अब ये वाला प्लस आ गया 1, 1, 1, 1। अब ये मेरे पास 3 और ये भी मेरे पास 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1। अब क्या करवाएंगे, प्लस, पहला एलिमेंट पहले में प्लस, दूसरा एलिमेंट दूसरे में प्लस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में, चौथा चौथे में। तवज्जो करिए, अब नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर कर देंगे, 3 + 1, 4, 4, 2, 2। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों इस वीडियो के, इस लेक्चर के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों को कंप्लीट करवाए हैं। और ये क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको जमा का तरीका भी बता दिया, माइनस कैसे करना है और मल्टीप्लाई कैसे करवाना है किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू को मैट्रिक्स के साथ। ये चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर सीख ली। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको सामने के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना।